So yes, hey everyone, this is Otis, and today we will be studying the chapter, The Way we This is our second chapter in our history notebooks, and uh, this episode will be a part of our jam series where we will try our best to complete this chapter in just around 5 minutes. This chapter is very so have time. To बट प्लीज़ कोऑपरेट तो चलिए शुरू करते हैं नो मी आई एम ओटिस एंड आई बी योर स्टडी गाइड डाइट क्लैरिफाई नॉलेज एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्लाइड्स क्वेज टेस्ट सीरीज ऐसी चीज़ों को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्लैरफाई नॉलेज के आपको राइट अवे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर ऐसी टाइप की आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड आपकी एकदम फर्स्ट लास्ट एग्जाम की प्रिप्रेशन हो जाएगी इससे तो चलिए शुरू करते हैं द वैदिक कल्चर तो वैदिक कल्चर स्टार्ट कैसे हुआ था द एज ऑफ हिस्ट्री इन विच द वेदाज वर्क कम्पोज इन द इंडियन सब इज नोन एज द वैदिक एज तो वैदिक एज कहा जाता है उस पीरियड को जब जो वेदाज थे ना हमारे फोर वेदाज हैं जब वो फोर वेदाज को जब बनाया गया था लिखा गया था उस एज को कहा जाता है वैदिक एज द वेदाज वर कम्पोज बाय द आर्यन तो आर्यन एक रेस होती है ह्यूमन्स uh, की तो ह्यूमन्स की जो ये रेस है आर्यन जिसमें मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस भी बिलोंग करते हैं तो जो आर्यस थे उन्होंने लिखे थे वेद वेदास देर आर फोर वेदास फोर वेदास नाम याद कर लेते हैं द ऋग्वेदा ओके द ऋग्वेदा द साम वेदा वेदा दुर्वेदा यजुर यजुर्वेदा एंड द अर्थवेदा ये हमारे चार वेदाज होते हैं ये हमारे होते हैं ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा

तो उस टाइम को क्या कहा जब ये गंगा और यमुना के पास को आए ईस्टवर्ड्स ओके उस पीरियड को कहा गया लेटर वैदिक पीरियड तो वो अब ओरिजिन क्या था हमारे आर्यंस का हिस्टोर हिस्टोरियंस ओवर डिफरेंट और हिस्टोरियंस जो है ना आर्यो करते हैं डिफरेंट ओरिजंस पे पर जो लाइक मेन मेन होते हैं वो हम आपको यहां पे बताते हैं जो डॉक्टर एसी दास थे बिलीव करते थे कि आर्यंस जो है ना इंडिया के नेटिव्स हैं ओके okay? अदर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक कंक्लूडेड दैट द आर्टिक रीजन वॉज द ओरिजिनल होम टू द आर्यस अब जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने कहा था कि जो आर्यंस थे उनका औरिजिनल होम कहाँ है आर्टिक रीजन ओके द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज द होम टू द आर्यस और उसके बाद जो हमारे दयानंद दयानंद सरस्वती जी थे दे बिलीव डैट जो आर्यन है ये तिब्बत के पार्ट हैं ठीक है ठीके? इनका जो ओरिजिनल होम है दैट वॉज तिब्बत और जो जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर हैं इन्होंने क्या कंक्लूड करा था कि जो आर्यन हैं दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया ओके और जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो जो मिस्टर मैक्स म्यूलर है उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी टिल नाउ कि लाइक आर्य केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ओके सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यस तो अब आर्यन का सेटलमेंट कैसे हुआ था इट इज़ बिलीव दस एंटर्ड इंडिया फ्राम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान अफगानिस्तान की साइड से मतलब ऊपर की साइड से एंड सेटल्ड इन द वैली ऑफ काबुल एंड पंजाब काबुल का है पाकिस्तान में एंड पंजाब पंजाब भी पाकिस्तान से लगता हुआ ये एक हमारा स्टेट है ओके दिस वॉज कॉल्ड द सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स तो सप्ता सिंधु सप्ताह का मतलब होता है सेवन और सिंधु का मतलब होता है रिवर्स तो सेवन रिवर्स का जो लैंड था ये और वो सेवन रिवर्स क्या थी इंडस रवि ब्यास सतलुज झेलम चेनाब एंड सरस्वती ये सेवन रिवर्स का वो लैंड था बिकॉज ऑफ द रीजन वॉज फर्टाइल दस टीकल टुक टू एग्रीकल्चर आरियंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेबल था इट इज़ बिलीव द आरियंस केम टू इंडिया दे केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल पीपल तो जो लोकल पीपल्स थे वहाँ के उनको पसंद नहीं आया कि आरियंस आ गए हैं और लाइक like, आरियंस हमारे बीच में हमारी डेली लाइफ को इंटरप्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई तो आरियंस भी बहुत वो थे लाइक कि हम तो यहाँ पे आए हैं हम करेंगे ही अपना तो इन दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्स होती थी बहुत द लोकल इनहेबिटेंट्स वर डिफीटेड एंड लेटर बिकेम टू बी नोन एज़ दासाज। तो इनको ना दास बना दिया गया था लाइक like, इनको अपना नौकर जैसा बना दिया था इनको लोअर मान लिया था आरियंस ने बिकॉज क्योंकि वो नेटिव वो उनसे फाइट कर रहे थे तो फिर जो ये थे इनको हरा दिया गया था लोकल्स को तो सोशल कंडीशन क्या थी अब उनकी द आरियंस लिव्ड इन विलेजेस इन द अर्ली वैदिक पीरियड द फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी तो जो फैमिली थी दैट वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जो चीज़ें होती थी वो फैमिली मिनिमम होती थी फैमिली से स्टार्ट होता था हमारा ट्री पूरा इट वॉज प्रतियां ओल्डेस्ट मेम्बर एट द ओल्डेस्ट मेल मेबर वॉज द हेड ऑफ़ द फैमिली ये कई जगह पर भी होता है जो ओल्डेस्ट मेल मेम्बर होता है फैमिली का हेड होता है ही वॉज नोन एज द गृहपति और कुलपति तो जो गृहपति या फिर कुलपति होता था ही वॉज द वो ओल्डेस्ट मेल मेंबर इन द फैमिली आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द हेड ऑफ़ द फैमिली उसकी डेथ के बाद जो उसका सन होता था वो बन जाता था हेड ऑफ़ द फैमिली

तो राजन वॉज राजन मतलब वही राजा वाला पोस्ट द किंग रूल्प ऑफर्सानी कमांडर इन चीफ एंड द पुरोहित क्या होता है बहुत uh, सारे ट्राइबल्स होते थे वो सब आर्मी बन जाते थे वॉर्स के टाइम पे बाकी टाइम ज्यादा कुछ ऐसा आर्मी का सिचुएशन होता नहीं था तो इकोनॉमी कैसी थी उस जगह की द वेदिक इकोनॉमी वॉज मेनलीस्ट्रॉल टू कल्टिवेशन मेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द रिग्वेदा रिग्वेदा के लेटर पार्ट में इन चीज़ों का मैंशन है कल्टिवेशन ऑफ लैंड वुडन प्लोज होते थे वुडन प्लोज यूज़ होते थे कल्टिवेशन ऑफ लैंड के इन दर्ली लेटर पीरियड और शेयर्स uh, के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है वुडन प्लाउज जो होते थे वो यूज होते थे कल्टिवेशन के लिए लेटर लेदर मेकिंग समिदरी पोट्री एंड कारपेंट्री वर अदर ऑक्यूपेश पीपल योजिक ऑक्यूपेशते हैं जैसे कि लेदर मेकिंग स्मिथरी पोट्री एंड कारपेंट्री ऐसे टाइप के ऑक्यूपेश होते थे पीपल इनकल इन्वॉल्व इन दिस वर्कसिडर्ड ऑफ लोअ स्टेटस इनको लो स्टेटस का माना जाता था जो कि ऐसे बेसिक काम करते थे ओके इन द लेटर वैदिक पीरियड कल्टिवेशन बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड आयन प्लाउज प्लाउ शेज बिगेन टू बी यूज तो आयरन के जो प्लाउज होते थे वो यूज होने लग जाते थे लैंड नाउ बिकेम द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ जो लैंड था यहाँ से शुरू हुआ लैंड का मेन सोर्स ऑफ वेल्थ बन जाना उसके बाद जनरेशन ऑफ़ एग्रीकल्चर सरपा सरपालस लेट टू द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन होने लगा धीरे धीरे टाउन एंड सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड द मार्केट्स टाउन और सिटीज़ जो है बहुत डेवलप होने लगे मनी ट्रेडिंग गिल्स वर फॉर्म इन द लेटर वैदिक पीरियड बहुत सारे जो ट्रेडिंग के ग्रुप्स uh, होते थे गिल्स होते थे वो फॉम हुए लेटर वैदिक पीरियड पर तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है तो अब हमारा एक पीवा क्यू आया है नेम द फोर तो आप जल्दी से पॉज करके इसका आंसर दे दीजिए इसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको आर फॉर ऋग्वेदा ओके इसके बाद ए फॉर अर्थवेदा वाई फॉर यजुर्वेदा एंड एस फॉर सामवेदा तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं या फिर टू बी मोर सिंप्लीफाइड ये तो हमने थोड़ा सा उल्ट ऊपर नीचे लिख दिया हम इसको ले सकते हैं आर एस वाई ए रस्या करके हम इसको याद कर सकते हैं आर एस वाई ए रसिया ऋग्वेदा सामवेदा यथुर्वे यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा ऐसे करके हमें फोर वेद याद हो सकते हैं तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है एंड मैं आपको फिर से बता दूँ अगर आपको स्लाइड्स एंड कुछ इसको एक्सेस करना है तो आप नॉलेज के आपको अभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस वीडियो में रखते हैं फिर इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग